वेलकम। इस बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो एपिसोड में आप सबों का स्वागत है। ये अमर सर का क्लास है IBPS बैंक PO 2019 के लिए। बैंक प्रेफरेंस पर मैं बात करने जा रहा हूँ। वैसे तो सभी नेशनलाइज्ड बैंक हैं और इनको तो प्रेफर किया ही जाना चाहिए, लेकिन जो 17 नेशनलाइज्ड बैंक इसमें हैं IBPS में मर्जर के बाद, उसमें कंपैरेटिवली चूंकि आपको परफॉर्मेंस देना है तो हम किसे टॉप प्रायोरिटी दें, इस पर मैं साइंटिफिक विश्लेषण करने जा रहा हूं। विश्लेषण के विभिन्न आधार हैं और एक स्टूडेंट से दूसरे स्टूडेंट में ये वेरी करेगा प्रेफरेंस। इसलिए मैं सारे उन रीजंस पर बात करूंगा, उन फैक्टर्स पर बात करूंगा जिसके आधार पर आपको फैसला लेना चाहिए और अपनी ओर से एक प्रेफरेंस दूंगा। क्लियर? लेकिन एनालिसिस को समझिए और उसमें से कौन सा आपको सूट करता है वो भी समझिए। जिन क्राइटेरिया पर मैं बात करने जा रहा हूं जिसका बड़ा महत्व है प्रेफरेंस में, वो ये है कि सबसे पहले एक लोकेशन वाइज होता है कि बैंक कहां लोकेटेड है, और जहां लोकेटेड होता है नॉर्थ जोन, साउथ जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन। वैसे कुछ बैंक तो ऐसे हैं जिसका पूरे देश में काफी संख्या में ब्रांचेज हैं, बैंक ऑफ इंडिया वगैरह का, लेकिन फिर भी जहां वो बेस्ट होता है वहां पर ज्यादा संभावना होती है आपकी पोस्टिंग की, और फीमेल कैंडिडेट के लिए थोड़ा मैटर करता है। तो जो लोग चाहते हैं कि हमें अपने जोन में मिले, जो इसको ज्यादा वेटेज देते हैं वो अपने जोन के बैंक को प्रेफरेंस देंगे, उसमें से जहां जाना चाहिए वहां जाएंगे। ये एक क्राइटेरिया हुआ। दूसरा क्राइटेरिया, एक एक करके मैं आता हूं, दूसरा क्राइटेरिया ग्रोथ का है। आपका अपना ग्रोथ किस जगह होगा, किस बैंक में होगा, और मेरी दृष्टि में ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इस पर मैं सबसे लास्ट में बात करूंगा। आपका ग्रोथ कहां पर सबसे अच्छा होगा और वर्क कल्चर ये भी तय करेगा। अब इतना गहन अध्ययन करना तो आसान नहीं है वर्क कल्चर, लेकिन कहां बहुत अच्छा और कहां खराब है कम से कम इतना तो मैं बोलूंगा और एवरेज का नाम नहीं लूंगा। इसके बाद वैकेंसीज, इन जनरल जहां ज्यादा वैकेंसीज हैं वहां पर उसको प्रेफर किया जाना चाहिए इन जनरल, लेकिन दूसरे फैक्टर्स भी हैं। मर्जर, जो बड़े बैंक्स होते हैं वह उसमें मर्जर की संभावना होती है, और जिस बड़े बैंक में मर्जर होता है उस बैंक के एम्प्लॉइज के हित सुरक्षित रहते हैं, ये सामान्य बात है। लेकिन जो छोटा बैंक जिसका मर्जर होता है यदि वहां यूनियन स्ट्रांग है तो फिर उनके हितों को भी कोई आंच नहीं आती। जैसे अभी जो बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्जर हुआ तो विजया बैंक की यूनियन बहुत स्ट्रांग थी और उनके कर्मचारियों के साथ किसी तरह का नाइंसाफी नहीं हुई, कोई नुकसान नहीं हुआ, ये भी बात है। यानी बड़े बैंक में ही हम जाएं और छोटे बैंक में नुकसान ही होगा ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है, ये फैक्टर भी है। इसके बाद आपको ये सोचना है कि रियल में हम बैंक में क्यों जा रहे हैं, परफॉर्म करने के लिए। तो नॉर्थ और साउथ के एनवायरनमेंट में बड़ा अंतर है। नॉर्थ के स्टूडेंट को साउथ में दिक्कत होती है, लेकिन साउथ में आगे बढ़ने का स्कोप काफी ज्यादा है। मैंने अपने सक्सेसफुल स्टूडेंट्स में से, मेरे सबसे पुराने स्टूडेंट्स में से जो सबसे आगे बढ़े हुए में से हैं, जो सीनियर मैनेजर हैं, विजया बैंक में थे, अभी मर्जर हुआ बैंक ऑफ बड़ौदा में, प्रवीण कुमार जी सीनियर मैनेजर, उन्होंने काफी कुछ एनालाइज किया। तो मेरा जो मन बना उसके आधार पर मैं अपने विचार रख रहा हूं। सबसे पहले आइए देखिए, ये जोन वाइज लिखा गया, नॉर्थ जोन, साउथ जोन, ईस्ट जोन और वेस्ट ले लिया गया, वेस्ट और साउथ या बेंगलोर तक को शामिल कर लिया गया, चेन्नई तक को, ठीक है, इसमें और सेंट्रल के आसपास बेंगलोर को शामिल कर लिया गया। अब देखिए, नॉर्थ में PNB, OBC, पंजाब एंड सिंध बैंक, ईस्ट में इलाहाबाद बैंक, यूको बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, वेस्ट में बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, IDBI, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, और साउथ में साउथ वेस्ट
कैनरा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक ऑफ, सिंडिकेट बैंक, आंध्रा बैंक, आईयूबी और इंडियन बैंक। डिफरेंट फैक्टर्स पर मैं बात करता हूं। सबसे पहली बात है जो मैं बात करने जा रहा हूं, वैकेंसीज। तो वैकेंसीज इन जनरल एक फैक्टर होगा, जहां ज्यादा है उसको प्रेफर किया जाना चाहिए अन्य सारी चीजों के साथ जो आपको सूट करता है। तो वैकेंसी देखिए बैंक ऑफ इंडिया में काफी ज्यादा है, बैंक ऑफ इंडिया में, यूनियन बैंक में काफी ज्यादा है, इलाहाबाद बैंक में भी 500 है और कैनरा बैंक में भी 500 है। इसके अलावा इसमें 350 बैंक ऑफ महाराष्ट्र में भी है और इंडियन बैंक में 493 है, यूको बैंक में भी 500 है, तो ओबीसी में भी 300 है। ज्यादा वैकेंसीज वाले को प्रेफर किया जाना चाहिए, ये वन क्राइटेरिया है, वन, सिर्फ यही नहीं, वन क्राइटेरिया है। किन्हीं के लिए अपना जोन प्यारा है तो ये दूसरा क्राइटेरिया है, ठीक है। सारे क्राइटेरिया को मिला के आप सोचेंगे कि कौन किसको हम प्रेफर करें। लोकेशन पर मैंने बात कर ली, अगर आप चाहते हैं कि मुझे अपने जोन में ही मिले तब तो ये जोन है और इसके मुताबिक आप सेलेक्ट करेंगे कि अपने जोन में किस बैंक को हम ऊपर रखें, ठीक है। लेकिन ये एक तरह से कॉन्ट्रडिक्टरी है इस बात के साथ कि आपको आगे बढ़ना है लाइफ में तो जोन से थोड़ा ऊपर उठना चाहिए, क्योंकि बैंक में आप अपना कैरियर बनाने आए हैं। इसलिए अगर जोन से आप ऊपर उठ सकते हैं तो दूसरे क्राइटेरिया का ज्यादा महत्व है। ये बात भी है कि बड़े बैंक में जाना चाहिए, लेकिन ये बात भी है कि छोटे बैंक में आगे बढ़ने का स्कोप ज्यादा रहता है, ये भी बात है। छोटा बैंक अगर नुकसान में जा रहा है, एनपीए बहुत ज्यादा है तो खतरा है, लेकिन अगर छोटा बैंक अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसमें आगे बढ़ने की संभावना ज्यादा है। उसमें इंडियन बैंक प्रमुख है और इंडियन बैंक में देखिए वैकेंसी भी काफी ज्यादा है। तो साउथ के स्टूडेंट्स, उनके लिए तो इंडियन बैंक बहुत शानदार ऑप्शन है। साउथ के स्टूडेंट के लिए साउथ भी है, इंडियन बैंक का परफॉर्मेंस अच्छा है, छोटा बैंक है, वर्क कल्चर अच्छा है, मतलब साउथ के लिए तो इससे अच्छा बैंक ढूंढना मुश्किल है। इसके अलावा कैनरा बैंक भी है साउथ के लिए। अब आप देखिए मर्जर, जहां तक सवाल है मर्जर, मैंने पहले भी कहा मर्जर में बड़े बैंकों में मर्जर होना है तो इन जनरल बड़े बैंक जिनमें मर्जर होगा, ऐसे कोई जानता नहीं किस में मर्जर होगा किसका, ये जब फाइनल आता है तभी होता है, पहले से अनुमान होता है। कभी बड़े बैंकों में अच्छा परफॉर्म करने वालों में मर्जर होता है तो उसमें देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा जिसमें मर्जर हुआ, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, इसके बाद आप देखेंगे इधर पीएनबी, इन बैंकों में और कैनरा बैंक भी है, इन बैंकों में मर्जर की संभावना ज्यादा है। लेकिन जो छोटे बैंक अच्छी स्थिति में हैं वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। इसलिए ऑप्शन तो आपको सबके देने हैं ना, तो ऊपर नीचे जिसमें जहां जो आपको नजर आता है उसके मुताबिक आप ऑप्शन देंगे इन क्राइटेरिया के आधार पर जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं। कुछ चीजें देखिए, वर्क कल्चर, अब किनका क्या वर्क कल्चर है इतना तो नहीं बता सकते, लेकिन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का मेरी नजर में वर्क कल्चर बहुत खराब है तो आप इसको प्रेफर नहीं करेंगे। इसको कोई इंटेंशनली ना ले, मेरा अपना विचार है, वर्क कल्चर को मैंने फैक्टर बनाया तो लगा कि ये नहीं होना चाहिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। देखिए यूनाइटेड एनपीए का यहां तक सवाल है, एनपीए जिसके ऊपर बहुत ज्यादा है, क्या छोटा क्या बड़ा, वो आपकी प्रेफरेंस में नीचे जाएगा। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इसका एनपीए बहुत ज्यादा है, एनपीए तो पीएनबी में भी है, एनपीए कॉरपोरेशन बैंक ऑफ इंडिया में भी काफी है, लेकिन एनपीए आंध्रा बैंक में बहुत ज्यादा है। तो अदर फैक्टर के साथ एनपीए को एक फैक्टर बनाए तो आंध्रा बैंक में एनपीए को की वजह से इसको नीचे रखना चाहिए, यूबीआई को नीचे रखना चाहिए, ये दो को नीचे रखना चाहिए, सबसे नीचे रखना चाहिए, ठीक है। सेंट्रल बैंक का भी वही हाल है, इसको भी नीचे रखना चाहिए, इन तीनों को अंतिम पायदान पर रखना चाहिए, ठीक है। ये समझ में आ रहा है कंपैरेटिव, उसके बाद आप अपनी इच्छा के मुताबिक तय करेंगे। अब आप देखिए जिसकी जीरो वैकेंसी है, तो जीरो वैकेंसी आज है लेकिन वैकेंसी आगे आ सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकती है, अभी तक आई गई वैकेंसी जीरो है। और जिसने कुछ नहीं कहा पीएनबी तो उसका आने दीजिए, आएगा, लेकिन पीएनबी में वैकेंसी तो होनी है। और जिसका जीरो है
उसका मतलब वहां वैकेंसी नहीं आएगी, ऐसा नहीं। तो जिनका जीरो है वो दूसरे क्राइटेरिया के आधार पर आप सिलेक्ट करते हैं। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया तो जीरो भी है, एनपीए भी है, इसको तो पसंद ही नहीं करते, तो इसको तो करेंगे ही नहीं, एकदम लास्ट में जाएगा। उसी तरह से देखिए, देखिए एनपीए की वजह से हो रहा है, नहीं तो इंडियन ओवरसीज बैंक उतना खराब विकल्प नहीं है। तो सबसे लास्ट नहीं, लेकिन लास्ट से तीसरा चौथा पर तो रख सकते हैं इंडियन ओवरसीज बैंक। इंडियन बैंक तो काफी ऊंचा रहेगा, कैनरा बैंक तो काफी ऊंचा रहेगा, ये क्लियर। अब इधर देखिए, मेरी नजर में जो बनता है, बैंक ऑफ बड़ौदा में जीरो वैकेंसी है, लेकिन फिर भी अगर आप किसी बैंक को चूज करते हैं और वहां जीरो वैकेंसी है तो इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर उसमें वैकेंसी आई तो आपको मिलेगा, नहीं आई तो आपको सेकंड वाला मिलेगा। हम खुद से क्यों छोड़ दें, ये बताइए। मैंने पहले कहा ज्यादा वैकेंसीज को प्रेफर करना चाहिए, लेकिन कुछ दूसरे फैक्टर्स भी हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा आज की तारीख में नंबर वन बैंक है, ऐसे भी कई कारणों से, ऐसे भी एसबीआई के बाद वो सबसे बड़ा हो गया है मर्जर के कारण, और उसका वर्क कल्चर, ग्रोथ, ये सब जबरदस्त है। फॉरेन में इसके बैंक ब्रांचेज हैं, ये जबरदस्त है आगे बढ़ने के ख्याल से। तो मेरी नजर में पूछिएगा तो मैं कहूंगा जीरो वैकेंसी है तो क्या हुआ, ठीक है वैकेंसी नहीं आएगी तो दूसरा नंबर ही मेरा पहला नंबर होगा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा को पहला नंबर देना चाहिए और बैंक ऑफ इंडिया को दूसरा नंबर देना चाहिए, ये कोई जरूरी नहीं है आप नहीं भी दे सकते हैं। आप इंडियन बैंक को दे सकते हैं अगर साउथ के रहने वाले हैं, तो आप इलाहाबाद बैंक को दे सकते हैं अगर आप कोलकाता जोन और झारखंड से लेकर के यूपी तक का इलाका चाहते हैं और फीमेल हैं तो आप इलाहाबाद बैंक को देंगे। लेकिन मैं अपना एक व्यू दे रहा हूं एनालाइज करते समय कि दूसरे नंबर पर आप इलाहाबाद दे सकते हैं, साउथ का स्टूडेंट इंडियन बैंक को दे सकता है और यूनियन बैंक भी हो सकता है। लेकिन फिर भी बैंक ऑफ इंडिया को मैंने सेकंड दिया। थर्ड पीएनबी, ये सबसे ज्यादा एस्टेब्लिश बैंक में से है, ये काफी बड़ा बैंक भी है और एनपीए के बावजूद मैं इसे थर्ड पोजीशन देता हूं मेरी नजर में। लेकिन फिर मैंने कहा कि जो साउथ के स्टूडेंट होंगे वो अपने मुताबिक देंगे। कैनरा बैंक और इंडियन बैंक साउथ के स्टूडेंट के लिए तो एकदम ऊपर रहेगा, जबकि वेस्ट के स्टूडेंट के लिए ये तीनों ऊपर रहेंगे, ये तीनों ऊपर रहेंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक, ये ऊपर रहेंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने कैनरा बैंक का नाम लिया फोर्थ में, पर नॉर्थ के स्टूडेंट भी कैनरा बैंक को चूज कर सकते हैं। कॉरपोरेशन बैंक का हालांकि एनपीए ज्यादा है, लेकिन इसका वर्क कल्चर बहुत बढ़िया है, तो कॉरपोरेशन बैंक को मैंने पांचवा स्थान दिया है। कोई चाहे तो ऊपर भी शिफ्ट कर सकते हैं, आपकी इच्छा है, लेकिन रैंक देना था तो मैंने इसके मुताबिक कंपैरेटिवली फिफ्थ रैंक दिया है। इसके बाद इलाहाबाद बैंक मैंने दिया है और फिर इंडियन बैंक दिया है सेवंथ तक, फिर यूनियन बैंक और यूको बैंक, इसके बाद सबसे लास्ट में जिसको देना है दीजिए और बीच का फिल कर दीजिए, ये मेरी नजर में। मुझे उम्मीद है कि आपको आपकी सुविधा के मुताबिक निर्णय लेने में मदद मिलेगी, यही इस वीडियो का लक्ष्य है, टारगेट है। ऑल द बेस्ट। बैंकिंग एग्जाम एक अलग ही तरह का ऑब्जेक्टिव अप्रोच खोजता है। दरअसल कम समय में आपको क्वेश्चन बनाने होते हैं, कॉन्सेप्ट यदि क्लियर है, ऑब्जेक्टिव वे से उसका एप्लीकेशन आपको आता है, तो विद इन गिवन टाइम आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। मेरे हजारों की संख्या में जो स्टूडेंट सक्सेसफुल रहे हैं उन्होंने इसको एंजॉय किया है, उस ऑब्जेक्टिव अप्रोच को अपनाया है जिसने उनको वहां तक पहुंचाया। दरअसल वीडियोस के रूप में जो कॉन्सेप्ट है वो सामने है और उसमें लगातार आपको क्वेश्चंस की जरूरत पड़ती है जिनको सॉल्व भी होना चाहिए और प्रैक्टिस सेशन भी होना चाहिए। amarsir.in पर यही फैसिलिटी अवेलेबल है, वीडियोस, कंसेप्चुअल प्रैक्टिस और इसके साथ साथ पीडीएफ शॉर्ट प्रैक्टिस और उसमें लगातार परिवर्तन यानी पढ़ाने का एक नया तरीका। आइए amarsir.in पर, आप सबका स्वागत है और इस नए सिस्टम का आप लाभ उठाएं, ए न्यू वे ऑफ लर्निंग ऑन amarsir.in।